हेलो गाइज, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो कुछ और दिनों की वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कोटा का टूर देने वाले हैं आपको। इस वीडियो में कोटा में कौन कौन सी अच्छी जगह है सब कुछ बताने वाले हैं, साथ ही कौन कौन सी कोचिंग कहाँ पर है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पर, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। एंड अगर आप कोटा के बाहर से हैं, कोटा में घूमने आने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि बेस्ट प्लेस हम इसको दिखाने वाले हैं। एंड अभी हम हैं गटोटकर सर्किल, तो यहाँ से चलते हैं सबसे पहले हम कोचिंग्स की तरह। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं एलियन के सामने, जो कि सिटी मॉल के सामने है। एंड आप सामने देख सकते हो, एंड जो सेकंड कोचिंग है वो रेजोरेंस है, जो कि सिटी मॉल के जस्ट पास में ही है। एंड अभी हम आ चुके हैं सिटी मॉल, जो कि रेजिडेंस के बिल्कुल पास है। आप सिटी मॉल भी देख सकते हो सामने। हमें सजा है। और अब यहाँ से चलते हैं सीधा सेवन वंडर, वहीं मिलते हैं आपसे। सो फाइनल गाइस, हम आ चुके हैं सेवन वंडर। एंड सेवन वंडर में आपको बहुत सारी चीज़ें हम दिखाने वाले हैं आज की वीडियो में। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि और भी बेस्ट बेस्ट जगह पर हम जाने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कोलोजियम, जो कि इटली में है, एंड इसको कला ग्रह भी बोला जाता है। एंड जो सेकंड है वो है कि पीसा की झुकी हुई मीनार, उसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बाकी व्यू भी देख लो आप। एंड अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो नाइट में आइए, मतलब नाइट में, मतलब जिस तरह से अंधेरा हो जाता है उस टाइम पे आइए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। हालांकि आप दिन में भी आ सकते हो। एंड जो थर्ड है वो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। एंड फोर्थ नंबर पे था हमारा पिरामिड, जो कि इजिप्ट में स्थित है। बाकी सबके मैं नाम भी लिख दूंगा, ताकि आप उनको देख कर आप अच्छे से समझ सके, अगर समझ में ना आ रहा हो तो। बाकी यहाँ पर आइए, बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है। एंड सामने केस्टी है, वहाँ भी चल के आपको दिखाने वाले हैं जल्दी। एंड जस्ट तालाब के बीच में, जो तालाब बना हुआ है केस्टी किशोरसागर तालाब, उसके बीच में जग मंदिर है। तो चलिए चलते हैं आगे, और भी आपको दिखाते हैं। अब आ गए हम ताजमहल के पास, इसको तो कौन नहीं जाता, हालांकि आई थिंक सब जानते होंगे, बट फिर भी एक थोड़ा सा व्यू आपको इसका दिखा सकते हैं। एंड इसका तो आप जानते ही होंगे कि आगरा में स्थित है। एंड नेक्स्ट हमारा एफिल टावर, जो कि पेरिस में है। चाहे जिंदगी ऐसी जी, चाहे जिंदगी है। बाकी अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ है, वरना और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता। एंड कभी मैं अगर नाइट में आऊँगा तो मैं आपको यहाँ का व्यू ज़रूर दिखाऊँगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सजा है, हम है बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है। एंड जो नेक्स्ट है वो आता हमारा क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि आप देख ही सकते हो। जिंदगी ऐसी जी, तब चाहे जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए,
के बाद सेवन वंडर के बाद हम आ चुके हैं शिवपुरी धाम। यहाँ के कार्स पार्क में आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारी शिवलिंग देखने को मिलेगी, जो 525 शिवलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि मैं वीडियो में पूरी तरीके से दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। बनी रहिए वीडियो पर। और इस साइड में कुछ हवन बने हुए हैं, कुछ भी प्रोग्राम होते हैं, कुछ भी जो भी होता है यहाँ पे हवन करवाए जाते हैं, तो वो सब यहीं पर होते हैं, इसलिए यहाँ पे हवन कुंड भी बनाए हुए हैं। चलो मैं आपको सारे शिवलिंग भी दिखा देता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर बीच में एक मंदिर बनाया हुआ है भोलेनाथ बाबा का। विधान से हम निकल चुके हैं अपने अगले लोकेशन की तरफ है, जो कि है डैम, बैराज डैम। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पर। तो गाइस, हम आ चुके हैं डैम के ऊपर, बैराज के ऊपर। यहाँ पर आपको बहुत सारे कौवे दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग दाना डालने आते हैं, साथ ही मछली को खाना डालने भी यहाँ पर आते हैं। अभी यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पर बहुत से लोग खाना डालने आते हैं, बहुत से लोग दाना डालने आते हैं मछलियों को और कबूतरों को। एंड गाइस, मैं भी आपको बता दूं, यहाँ पर भी आपको एक बहुत जल्दी बहुत ब्यूटीफुल मंदिर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ का अभी काम चल रहा है, तो उस वजह से हम अभी जा नहीं सकते, बट बहुत जल्दी आपको यहाँ का एक। सो गाइस, अगले लोकेशन की तरफ हम पहुंच चुके हैं, जो कि है हाबेड़ा महल, जो कि डैम से लगभग 15 मिनट या 20 मिनट की दूरी पर है। बाकी जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अगर आप कहीं से बाहर से आते हो तो यहां पर घूमने आप आ सकते हो। यहां पर बीच में एक कुआं टाइप बना हुआ है, आई थिंक ये कुआं ही है, इनमें मोटर वोटर भी लगी हुई है पानी वानी के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं ऊपर। तो चलिए चलते हैं अंदर, और भी आपको वो जो दिखाना है, यहाँ भी आप आओगे तो बहुत ज्यादा मजा आपको आने वाला है। एंड गाइज, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बायोलॉजिकल पार्क भी खुल चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो हाबेड़ा महल के पास ही बायोलॉजिकल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ भी ज़रूर जाइएगा। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वहाँ हम अभी इस जा नहीं पाएंगे। बाकी जो तालाब है वो देखो पूरे पत्तों से ढका हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस तालाब में आप वोटिंग भी कर सकते हो, वहाँ पर साइड में आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप वोटिंग भी आराम से कर सकते हो। एंड गाइस, जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है वो है हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज कुछ प्रॉब्लम जो वहाँ तक जा नहीं सकते, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हैंगिंग ब्रिज ज़रूर दिखाऊँगा, पर एक दूर का व्यू तो आपको दिखा ही सकता हूँ। तो आप देख लीजिए, हैंगिंग ब्रिज आपको यहाँ से दिख रहा होगा, बट जल्दी ही वहाँ जाकर हम वीडियो बनाने वाले हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं किशोर सागर तालाब, जो कि हमारी आखिरी लोकेशन। एंड सॉरी, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी आपको गाड़ियों को,
यह है केएसटी, केएसटी भी इसको बोलते हैं, जो सागर तालाब। एंड सामने आपको जग मंदिर देख रहा होगा, क्योंकि इसके साइड पर दो पहले के साइड है, वहाँ पर हम थोड़ी देर पहले गए थे सेवन वंडर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।